हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं हूँ साधना। मेरे चैनल का नाम है साधना फैमिली ब्लॉग। तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मेरी फुल वीडियो देखा करिए प्लीज़। तो ये आ गई हूँ किचन में, दोपहर हो गई है और खाना बनाने जा रही हूँ। चावल मैंने चढ़ा दिया है गैस में, वो पक रहा है और सब्जी इधर बनानी है। तो जीरा उरा निकाल रही हूँ मैं, ऊपर रख देती हूँ क्योंकि सेट से सामान नहीं रखा हुआ, ऐसे ही है बना रही हूँ जहाँ। और ये जो सामने आप लोग दीवार देख रहे हो जहाँ खाना बना रही हूँ जस्ट, तो यहाँ एक पेपर चिपकाना है मुझे क्योंकि जब मैं सब्जी वगैरह छिड़कती हूँ ना तो उधर छींटे पड़ जाते हैं, फिर दीवार ख़राब हो जाएगी। तो मैं लगाऊंगी किसी दिन, अभी बस ऐसे ही बना रही हूँ। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है, चावल बन रहा है और आज दोपहर को बस सब्जी चावल रोटी बनाऊंगी सिंपल सा, क्योंकि ठंडी है ना तो काफ़ी लेट हो जाता है मुझे खाना बनाने में, उठने में भी लेट होता है क्योंकि हमारी तरफ बहुत ठंडी पड़ रही है। चित्रकूट में बहुत ही कड़ाके की ठंड है इस समय, तो बहुत ही जल्दी बनाऊंगी क्योंकि सभी भूखे हैं। लेट उठने का मतलब है कि बहुत लेट हो जाता है। उठो, चाय पियो, चाय पीने के बाद और सारे बहुत सारे काम होते हैं, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, तो तब तक तो 10 से ऊपर हो जाते हैं, 11 बज जाते हैं। तो चावल बन गया है, ये मैं रोटियां बना रही हूँ और ये मैं थोड़े से मिर्चा रखी हूँ, इन्हें मैं ऐसे ही तल लेती हूँ। और ये नवा चावल है, मतलब न्यू जो इस बार हुआ है, तो ये थोड़ा डार्क है, सफ़ेद नहीं है। नया चावल ऐसे ही होता है, बहुत वाइट नहीं है। और इधर देखो सब्जी पक रही है और सभी भूखे हैं, बस पीछे मेरे बच्चे बैठे हैं सभी। मैं पी रही हूँ चाय और आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, ब्लॉग नहीं बन पा रहा है, इतनी ज़्यादा ठंडी है। मुझे सर्दी भी हो गई है, सर्दी की वजह से नहीं वीडियो बन पा रहा मेरा, पर मैं सोच रही हूँ आज बना ही डालूँ। अभी तो 5:30 बज रहे हैं, शाम का टाइम है ये, और आ जाइए चाय पी लीजिए। बच्चे सभी बाहर हैं, खेल रहे हैं। बच्चों का क्या है ना, कितनी भी ठंडी हो बच्चे घर में रहते ही नहीं हैं, बाहर ही रहते हैं। बंधन हो उन्हें पढ़ाई करना है या कुछ, हम मतलब कह दे कि बेटा यही काम करना है आपको, यहीं बैठ जाओ, तो भले वो लोग बैठ जाए, नहीं तो बैठते नहीं हैं। सभी बाहर खेल रहे हैं, कोई छत में है। उसे शाम का टाइम अदरक वाली चाय मिल जाए और सुबह दो बार, मैं दो बार ही पीती हूँ, आप लोग कितनी बार पीते हो बताइए। वैसे तो ठंडी में चाय मिल जाए 3-4 बार तब भी चलता है, लेकिन अभी दो बार ही पीती हूँ क्योंकि चाय भी हर चीज़ अति हो जाती है तो नुकसान करता है। तो जितना हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है जो चीज़, चाहे वो चाय हो या बहुत ही अच्छी चीज़ें हों, बहुत ही जितना हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, हमें उतना ही खाना चाहिए। हाँ, पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि 4-5-10 बार पी लें। कोई कोई चाय बहुत पीता है, लेकिन पीना गलत बात नहीं, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नुकसान करती है चाय। कम से कम ठंडी में बहुत ज़्यादा पी लें, 3-4 कप पी लें, बहुत है, बहुत है, इससे ज़्यादा नुकसान करती है। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे घर में तो सच में दो बार के अलावा अगर हम कभी चाय पी लें बहुत डांट पड़ती थी। और जस्ट सड़क है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। खुशी देखो शोर कर रही है। मैं तो स्टील के ही चाय में कप में पीती हूँ चाय। रीज़न ये है कि वो वाले कप मुझसे चलते ही नहीं, तो 4 दिन ही चलते हैं, फूट जाते हैं, तो मैं ऐसे ही कप में पीती हूँ या तो गिलास में पी लेती हूँ। बहुत बड़ी फैशनेबल नहीं हूँ मैं, जो मिल गया उसमें खा ली, जो मिल गया उसमें पी ली,
ऐसे ही हूँ, क्योंकि चीनी मिट्टी का जो कप होता है फैशनेबल होता है, वो मुझसे चलता ही नहीं, 2-4 दिन में ही टूट जाता है। धुलती हूँ, रखती हूँ आराम से ही, बट पता नहीं कैसे टूट जाता है, वो चलता ही नहीं है मेरे हाथ से। तो अक्सर मैं इसे ही इस्तेमाल करती हूँ घर में। सारे बर्तन मेरे हैं जितने, ये देखिए यहीं रखे हैं, ये दिखाती हूँ, ये इसमें सारे बर्तन आपको दिखेंगे स्टील के, या तो उसके दिखेंगे जहाजी शायद कहते हैं कि, हाँ यही दो बर्तन दिखेंगे आपको। बहुत सारे बर्तन मैं नहीं यूज करती, क्योंकि कुछ बर्तन होते हैं मैं रखती हूँ तो फूट जाते हैं मुझसे बहुत जल्दी। और ये मैं बैठी हूँ चेयर में, अभी उठती हूँ, सीओ बुला रहा है, क्या है। तो हो गया है काम, ये मेरे बैठे हैं भगवान जी, यही बैठ के वीडियो बनाती हूँ। यहाँ क्या है ना, थोड़ा शोर होता है, गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन घर की जो वॉइस होती है अगल बगल की वो कम आती है। यहाँ क्या फ़ायदा है ना, यहाँ देखो खिड़की है ये, तो ये खिड़की है ना, तो गर्मी में बहुत अच्छी हवा आती है, लेकिन ठंडी में हम लोग बंद कर रखते हैं। इसमें भी खिड़की नहीं लगवाए हैं देखिए, तो इसे ऐसे बंद कर देते हैं पर्दा वगैरह लगा के ये। ऐसे ही तो चलिए, अभी बच्चे बुला रहे हैं, लाइट चली गई है, ये इन्वर्टर है, एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ। कपड़े निकाल रहा हूँ, सभी कपड़े पड़े हैं, ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो इधर आ गई हूँ पीछे तरफ, आप सबको पता सुबह से धूप नहीं निकली है। ये जो ब्लॉग बना रही हूँ ये संडे का है, तो संडे के दिन तो सुबह से धूप नहीं निकली, और जो कपड़े मैंने धुले थे कुछ लेट धुली हूँ, क्योंकि बच्चों को नहलाती हूँ हर संडे को थोड़ा अच्छे से, और वैसे बच्चे तो ऐसे ही नहा लेते हैं, पर संडे को थोड़ा रगड़ा वगड़ के नहलाती हूँ तो ज़्यादा टाइम लगता है। और ये खाट है, धूप आती है तो हम लोग यहाँ बिछा के लेटते हैं, बैठते हैं, और फिर इधर खड़ी कर देती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ओस पड़ती है ना इसलिए। तो बस यहाँ का हो गया, ये मेरी मम्मी हैं। ये सब कपड़े क्या हैं, बहुत लेट धुली हूँ आज मैं, देखिए सब भीगे हुए हैं। ये भी पानी देखो चू रहा है, ये तो अभी इन्हें नहीं निकालूंगी मैं, ये भी आज बहुत लेट धुली हूँ, शाम हो गई थी एकदम, ये देखिए। तो इन्हें लगता है कुछ देर और पड़े रहें तब निकालूंगी, और सब जो बिल्कुल सूखे थे उन्हें निकाल लिया है मैंने। अभी जा रही हूँ पूजा पाठ करने, अब ठंडी है, जा स्वेटर पहनने जा रही हूँ, नेट फिर से ठंडी हो जाएगी, सर्दी बहुत ज़्यादा मुझे हो गई है देखिए। और जब से नहाई हूँ बस ऐसे ही हूँ, तो जा रही हूँ स्वेटर पहनने, कुछ देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। पढ़ाई हो गई, अभी गेम देखो, मोबाइल मिल गया बच्चों को तो बस गेम खेलते हैं। हेलो बोलो बेटा। हेलो। देखते हुए बोलो। हेलो। और देखो क्या कर रहा है, हो गई पढ़ाई, 1 घंटे पढ़ लें बहुत मुश्किल से, और अभी ये गेम खेल रहा है। 1 घंटे के लिए टाइम देती हूँ मोबाइल के लिए, बच्चों को खेल सकते हैं। तो देखिए इतनी ध्यान से बिजी है क्योंकि 1 घंटे का ही परमिशन है, तो गेम में लगा है। खुशी को देखो, उधर खुशी भी खेल रही है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो। तो ये सभी गेम में है और मैं हूँ काम में, और गुरुदेव जी को देखिए ये कर रहे हैं आराम और सुपारी खा के, और ये आ गया है शिवा। तो ये सभी व्यस्त है अपने अपने काम में, और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। नहीं खाना नहीं बनाऊँगी अभी, पूजा पाठ का टाइम है, या तो वीडियो एडिट करूँगी, अभी वीडियो नहीं एडिट हुई है मेरी। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग मुझे बताइएगा, और अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलूँगी कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। ठंडी इतनी ही, वीडियो नहीं बन पा रही, जैसे हो ऐसे रहो, काम में बिजी रहो, लगता है चलिए आज नहीं बनाऊंगी वीडियो। 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं बन पा रहा था, बस ऐसे ही कुछ भी डाल दे रही थी, लेकिन ब्लॉग का चैनल है तो ब्लॉग ही डालना चाहिए। तो ज़रूर कोशिश करूँगी रेगुलर मैं ब्लॉग बना सकूँ और डाल सकूँ, आप लोग प्लीज़ देखा करिए, इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।